बुलेट पूरी खोल के डाल लगे यहाँ पर इसके ए टू जेड पार्ट, बस एक इंजन नहीं है जो अंदर का होता, बाकी जैसा बाहर से दिखता है ये नई बुलेट है। Hey guys, welcome back to my new blog. तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हमारे साथ भानु भाई है और एक गाड़ी चला रहे हैं फुल, तो हम जा रहे हैं दीपक भाई की शॉप पर फिलहाल, मतलब दूसरे वाले दीपक भाई के, मतलब जो हमारे भाई के जो फ्रेंड है, देखे भी होंगे आपने काफी सारे ब्लॉगों में, तो चलते हैं फिलहाल उनके पास ही। हम दीपक भाई की तो शॉप पे जा नहीं रहे और हम जा रहे हैं कहीं और, भानु भाई लेके जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, पर मेरे से कह रहे हैं भाई सरप्राइज़ है तेरे लिए। अब मेरे लिए क्या सरप्राइज़, मेरे लिए है, भाई के लिए है, किसके लिए है ये पता नहीं है भाई, सरप्राइज़ है ना के लिए। हाँ तो भाई सरप्राइज़ है, तो चलते हैं, अभी तो रेड लाइट हो रही है यार, रेड लाइट ने बहुत देर किया है और आज मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, भाई नहीं लगा रखा, पर सेफ्टी का ध्यान रखना पर तुम सॉरी। तो भाई रेड लाइट तो फ्री हुई है अब, गो तो सब चल दिए हैं, बट हमें यहाँ से कट लेना है ये हॉर्न। आज हम आए बुलेट लेने और भाई का सरप्राइज़ जो था ये था कि बुलेट लेने आए और बुलेट के शोरूम पे ही है। तो गाइस ये था सरप्राइज़, आज हम आए बुलेट निकालने हैं भाई के साथ, ठीक है भैया ही निकाल रहे हैं, चलते हैं भाई अंदर फिलहाल, तो देखते हैं भाई वगैरह कहाँ हैं। तो भाई तो वहाँ खड़े हुए हैं, मेरे तो कलर ले रहे हो, फिर कौन सा ले रहे हो? तो गाइस बुलेट लिया हमने स्टैंडर्ड, तो फिलहाल ये वाला कलर नहीं है, वो दूसरा कलर है ब्लैक। क्यों भाई? ब्लैक वाली तो यार क्लासिक में है सारी, ये भी क्लासिक है, वो भी, ये सब एलईडी में मिल रही, मर करी है पूरी ये जिंदा है, सही है यार याली। तो ब्लैक कलर और एल गार्ड तो चेंज करवा दिए हमने, तो गाइस हमने एल गार्ड चेंज करवा दिया, हमने एल गार्ड लिए वाले रॉड वाले, सिंगल रॉड वाले ये वाले चेंज है। बुलेट पूरी खोल के डाल लगे यहाँ पर इसके ए टू जेड पार्ट, बस एक इंजन नहीं है जो अंदर का होता, बाकी जैसा बाहर से दिखता है ये नई बुलेट है। और पेपर सभी मेरे हाथ में, और ये है गाड़ी याली बुलेट। तो गाइस अभी इसमें लेग गार्ड वगैरह लग रहा, भाई वगैरह लगा रहे हैं। हाँ भाई हाँ क्या तो मज़ा आ रहा है फुल, हाँ हाँ चल रहे हैं। तो भाई ले लिए गाड़ी बुलेट, गजब। तो गाइस यहाँ से तो भाई लेके जा रहे हैं गाड़ी, और हम बाइक से जा रहे हैं अपनी, और स्कूटी से लेके जा रहा हूँ मैं, मेरा तो हेलमेट तो भाई। तो गाइस ये रहा मेरा हेलमेट और चाबी आ गई, ये रही हमारी स्कूटी। तो भाई तो जा रहे हैं बुलेट लेके घर पर ही, ठीक है भाई आओ, भाई तुम आगे आगे रहना, मैं पीछे रहूँगा, ठीक है। हाँ तो गाइस भाई तो रुके हुए हैं और मैं भी रुका हुआ हूँ रेड लाइट पे ही, तो निकल गए हम, चलो। तो गाइस भाई भी साथ में ही है, तो पहुंचने वाले ही हैं घर, तो वैसे हालांकि पहुंच चुके ही हैं, तो थोड़ा सा और रह गया, तो भाई तो पता नहीं कब आएंगे बुलेट लेके, वैसे तो पेट्रोल वेट्रोल डलवाने गए हैं थोड़ा बहुत ही, भाई को आगे चलने देते हैं यार। भानु भाई आगे चल रहे हैं हमसे, क्योंकि बिकॉज भाई को रास्ता पता है यहाँ का, मेरे को पता नहीं है इतना, और मैंने यार हेलमेट पहन रखा, तो क्या पता उस वजह से मेरी आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। वैसे आ रही होगी आवाज़, इतनी वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है। भानु भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ वैसे, गाड़ी निकाली हमने, गाड़ी नाम भाई के अल्ले के कोई और गया है, कोई नहीं गाइस होता है ऐसा। तो यार एक हाथ से स्कूटी चलाना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एक हाथ से स्कूटी चलाना डिफ़िकल्ट तो है, बट ऐसा तुम कभी ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिक्स वाला खेल है। गाइस घर पर तो आ चुके हैं और पूजा वूजा होगी, और उससे पहले अभी दीदी वगैरह बाहर गई हुई है मार्केट, तो फिलहाल तो अंदर दीपक भाई का तेल चढ़ रहा है, तो उसके बाद आएंगे अभी थोड़ा बाहर, तो पहले चलते हैं भाई के तेल वेल देखने कैसा चढ़ रहा ये कौन सा, ऐसे नहीं
हाँ भाई जाओ डालते बेड़ा रुमाल लाए तोले डाल दो ना ये हाँ सही है तैयार है बिल्कुल रेडी है भाई क्या वीडियो बनाओ मेरी कटोरी दे देना कटोरी कटोरी और भल्लू का नाम बताओ तेल करो किसको क्या करना है कान में लगाऊंगे तेल तेल की दुकान है देवता इन पे भी बंदेगा कलावा बांधो इन पे भी थोड़ी ना बैठ गई तो दीपक भाई तो भाई का तेल चढ़ रहा हो फर्स्ट डे तेल चढ़ने में भाई को ढक रखा दिख नहीं रहे बिल्कुल भी लोकेशन चेंज कर दी और अंदर आया थोड़ा दस कर रही है भैया जोड़ा कर दे दस पांच कर दिए हमें तो आगे पीछे करके पांच गिन दी सब तेल भर दियो आज भर दोगे दीपक के कान में बस पांच कर दिए चलो अब उठ जाओ बता से दो कुछ खाली आता नहीं खाली आता नहीं लिया
दीपक भाई फुल तेल लगा पड़ा सरसों का परसों का। तो देवता मारा सब बढ़िया हो भाई। बतास वगैरह आ गए तो भाई इसको हाथ में लेकर मतलब दोनों हाथ ऐसे करो सारे खान। ए दीपा भाई वो तो ऊंचा नहीं है, ऊंचा होता फिर क्या करते दीपा भाई सबों को खाने खिलाने। पूजा वगैरह तो हो गई है गाड़ी की और भाई के तेल भी चढ़ चुका है। तो फाइनली मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।